अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये एक अर्निंग वेबसाइट है जिसका नाम स्किल साइडर है और ये पाकिस्तान में अभी अभी रजिस्टर हुआ है, जिसका भागने का अंदेशा कोई भी नहीं। और ये वेबसाइट पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग से जा रहे और बहुत लोग इससे कमा रहे हैं। अगर इसकी अर्निंग मेथड की बात की जाए तो हम चार तरीक़ों से इसे अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है एफिलिएट मार्केट है, यानी आप किसी और की चीज़ को बेचकर अपना कमीशन ले लें। और दूसरा जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग जैसा है, मगर यहाँ पर कमीशन आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर तकरीबन 80 से 90 तक कमीशन मिलता है, यानी आप किसी चीज़ को 100 पर बेच दो तो आपको उसमें से 80 से लेकर 90 तक आपको कमीशन यहाँ पर मिलता है। और इससे अर्निंग का जो तीसरा मेथड है वो है ब्लॉगिंग, यानी आप अपना वेबसाइट बना देते हैं गूगल में और आपको एक आर्टिकल दिया जाता है जो आप लिखते हैं और उससे आपकी अर्निंग हो जाती है। जैसा कि आप इमरान खान पर कोई आर्टिकल लिख देते हैं तो आपकी अर्निंग उससे हो जाती है और ये काफ़ी फेस्ट जैसा काम होता है। और चौथा मेथड जो है इसका वो है जॉइनिंग, यानी आप किसी को जॉइन कर देते हो और आपको उसमें से अपना कमीशन मिलता है। यानी इसका जो कोर्स है वो है 1750 का, मगर आप अगर किसी को ज्वाइन कर देते हो तो उसमें से 1225 रुपये आपको मिलेंगे और 525 रुपये एडमिन को मिल जाते हैं। और इसकी जो अर्निंग मेथड्स हैं वो आपको पहले स्किल साइडर वेबसाइट में बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है। पहले आप उनको अच्छी तरह देखेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद आप काम करेंगे। अभी हम इसका अकाउंट बनाएंगे, वो कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। उसके लिए आपको एक एफिलिएट लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। एफिलिएट लिंक क्या होता है? वो जिसने स्किल साइडर पहले से ज्वाइन किया हुआ है उसके पास एक एफिलिएट लिंक होगा जो आपको सेंड करके उसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी स्किल साइडर ज्वाइन किया हुआ है, मेरे पास उसका लिंक भी है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे रब्ता इनबॉक्स में कर सकते हो। चलो अभी इसका अकाउंट बना देते हैं। चलो मैं होम स्क्रीन पर आ गया, अभी क्रोम ओपन किया, स्किल साइडर को सर्च किया तो ऊपर वाला टैब करें, मेरा नेट थोड़ा कमज़ोर है। तो इस तरह आपको इंटरफेस आएगा जब आप लोग पहली बार स्किल साइडर को ओपन कर देते हो। यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक देता हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है ये अकाउंट, तो मैंने इसको ओपन किया। ये देखो सक्सेसफुल रजिस्टर, ये मेरा अपना अकाउंट है। अभी हम जाते एफिलिएट लिंक पर क्लिक कर देते जैसे नए लोग जब ज्वाइन हो रहे हो। मैंने जब आप लोग इस लिंक पर क्लिक देते हो तो यहाँ पर एक आपको ये इंटरफेस आएगा सामने, यहाँ पर आप 1750 पर क्लिक कर देते हो। अभी मैं वैसे एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए देना है। तो यहाँ पर अच्छा, मैं एक नाम देता हूँ, वैसे ये अहमद वाला शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने इसको चेक किया। यहाँ पर कोई नया यूज़र नेम लेते हैं जैसे मल्होत्रा हो गया। अभी हम एक जीमेल देते हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा है। अभी इधर पासवर्ड लगाना है, 8 डिजिट का लगाना है, 8 डिजिट का पासवर्ड लगाते हैं जैसे ये हो गया। अभी साइन अप पासवर्ड, ठीक है, डबल क्लिक करो उस पर तो ऐसे इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पर ईजीपीएस अकाउंट का नेम दे दें जो आप लोगों का है,
यहाँ पर उसका नंबर, इसी पैसे अकाउंट का नंबर दे दिया यहाँ पर, तो मैंने वैसे ही दिया। या फिर ट्रांजेक्शन आईडी, जो आप लोग जब आप पेमेंट कर देते हो किसी को रजिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगी। या फिर आप लोगों को अकाउंट 1749 रुपये लिखना है। चलो ऑर्डर करते हैं। हाँ तो अब देखते हैं अकाउंट बन गया या नहीं। वही जीमेल देना है जिससे आप लोग अकाउंट बना देते हो, मैंने वही दिया, और वही पासवर्ड देना है। हाँ वही पासवर्ड दिया, अभी लॉग इन कर देते हैं। हाँ ये कह रहे अभी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ये एडमिन से वेरीफाई होगा, ठीक है फिर काम करेगा।